भारत में रेल का इतिहास 1853 से शुरू होता है, जब मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी। आज भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क बन चुकी है और देश के दुर्गम और सुदूर इलाके तक भारतीय रेल का जाल फैल चुका है। साथ ही भारतीय रेल सेवा प्रतिदिन 30 लाख से अधिक लोगों की ढोने वाली दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली भी बन चुकी है। 1,15,000 किलोमीटर लोहे के पटरे के जाल पर दौड़ते भारतीय रेल के 8,000 इंजन प्रतिदिन 70,241 से अधिक डिब्बों में 30 लाख से भी अधिक लोगों को इधर से उधर पहुंचाते हैं। कुछ लोगों के लिए रेल का यह सफ़र रूटीन सफ़र होता है। बहुत से लोगों के लिए रेल का यह सफ़र जीवन के सबसे यादगार पर्व में शामिल हो जाता है, क्योंकि भारतीय रेलवे के पास लोकल सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनों के अलावा कुछ ऐसे शानदार और रोमांचक ट्रेनें भी हैं जिनमें सफ़र करना स्वर्ग के सफ़र जैसा ही होता है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी ट्रेन लाइन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके सफ़र को यादगार बना सकती है। भारत की इस ट्रेन का सफ़र सुरंगों, घाटियों, नदियों और पहाड़ों के कारण यादगार पलों में शुमार हो सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं असम राज्य के ज़िला धुबरी को राज्य के ही ज़िला बंगाईगांव से सीधा जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक के बारे में। ये रेलवे रोड धुबरी शहर के करीब गोरीपुर स्टेशन से बगरीबरी बिलासीपारा चापर होते हुए करीब के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन न्यू बंगाईगांव जंक्शन तक पहुंचने के लिए इस लाइन का एक हिस्सा मासगांव स्टेशन को जबकि ग्वालपाड़ा टाउन होते हुए गुवाहाटी तक पहुंचने के लिए इस ट्रैक का दूसरा भाग बंगाईगांव जिला के अभयपुर स्टेशन से मिल जाता है। ये ट्रेन लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। भारतीय रेल डिपार्टमेंट द्वारा इसे 2022 से 2030 तक संपन्न किया जाने का संभावना है। असम के सबसे खूबसूरत वादियों के भूल भुलैया के बीच चलती ये ट्रेन आपको सपनों के हसीन दुनिया की सैर करा देगी। वैसे धुबरी शहर तक पहुंचने के लिए पहले से दो रेलवे ट्रैक, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल के न्यू कूचबिहार जंक्शन से जबकि दूसरी लाइन असम के कोकराझार जिला के फकरागरम जंक्शन से धुबरी तक बिछी हुई है। इन सब के अलावा धुबरी रुपसी एयरपोर्ट, धुबरी फुलबारी ब्रिज जिसका काम अभी जारी है, इस शहर को और भी रोमांचक बना देती है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसी जगहें हैं जो टूरिज्म की दृष्टि से दुनिया के किसी भी दूसरे पर्यटन स्थल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। साथ ही ये स्थान देश में होने के कारण विदेशी लोकेशन के तुलना में ज़्यादा किफ़ायती भी है।